हेलो फ्री में नहीं आ सकता, वोटिंग का फ्री मिल रहा है। अदिति सिंह वोट कर रहे हैं, अदिति सिंह पंजाब से यहाँ पर ये तुम्हारे लिए सर है, आवाज़ आ रही है। वोट करने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कैसे विधानसभा चुनाव अभी फिलहाल बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार पूरा वी स्टार्ट द वोटिंग हियर हमेशा हमें करते हैं ये सो इट गिव सम संजीव शॉट दे रहा हूं आपको शॉट का सर भाई साहब हेलो देखो करो नॉन स्टॉप प्लीज जाके आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं। मैं चाहती हूँ कि सारे जितने भी अभी तक चरण हुए, जितने फेज हुए हैं, आगामी जो भी फेज है, रायबरेली का जो मत परसेंटेज है वो सबसे हाई रहे। और रायबरेली जनता से आप क्या वादे और दावे कर रहे हैं? कि हमेशा सेफ रखूंगी, सुरक्षित रखूंगी, और जिस टाइप के गुंडा राज की कल्पना कर रहे हैं मेरे प्रतिद्वंदी, वो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। कांग्रेस का वजूद यहाँ पर संकट में है, आप इसे मानती हैं? आप बार बार कांग्रेस कांग्रेस क्यों पूछते हैं? कांग्रेस का यहाँ कुछ नहीं है, सीरियसली। आप बाकी पार्टियों के बारे में, प्रियंका गांधी ने यहाँ कैंप किया मैडम, और यहाँ मैडम प्रियंका गांधी ने भी यहाँ कैंप किया था, और आप लगातार जो है सक्रिय रही, गांव गांव गई, हर जगह कैंप कर रही। मेरा क्षेत्र ऑफकोर्स, मैं अभी नहीं गांव गांव जा रही, मैं पूरे 5 साल, आप किसी से पूछ लीजिए या मेरी कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल या न्यूज क्लिपिंग उठा के देख लीजिए। स्टॉप, आई मीन आई वॉन्ट टू से दिस टू ऑल मीडिया पीपल, स्टॉप सेइंग कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। यार कांग्रेस का कुछ नहीं बाकी है। आप बाकी पार्टियों के बारे में एक बार को पूछ भी लेंगे तो मैं अग्री करूंगी। पिछली बार मेरी सीट पे सेकंड नंबर पे बसपा थी, सपा है, और भी बहुत सारी पार्टीज हैं। तो ये कांग्रेस का गढ़ कहना बंद करिए। जब से प्रियंका जी आई हैं 2019 में, उन्होंने लोकसभा भी लड़ा था, उसके पहले तो फिर भी शायद 2 सीट थी, तब तो एक पे रह गई। तो व्हाई आर यू कॉलिंग इट कांग्रेस कांग्रेस? आपके फादर के ऑन मर्डर चार्जेस, तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना मुझे इस चीज़ से गुस्सा भी है, और कितना मैं आक्रोशित हूँ इस चीज़ को लेकर, और कितना अपने शहर को सुरक्षित रखने का मुझमें जज्बा भी है। आपके फादर से, आपके फादर से इस रायबरेली सदर विधानसभा सीट में अखिलेश सिंह जी को लेकर के भावनात्मक लगाव हमेशा से रहा है। अगर वो इंडिपेंडेंट भी लड़े तब भी जीते, पीस पार्टी से लड़े तब भी जीते, और कांग्रेस से लड़े तब भी जीते। तो आप अपनी सभाओं में लगातार, मैं देख रहा था कि कमलेश जी भी कंटिन्यूअसली भावनात्मक अपील करते हुए नजर आए, तो आपको लगता है कि अखिलेश जी से जो जुड़ाव रायबरेली की जनता का रहा है, वही जुड़ाव आपके साथ भी रहेगा? आई थिंक ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक और ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी भी महसूस कर रही है कि उनके भैया के बिना ये पहला चुनाव है, और जितनी मेहनत मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरी टीम ने, और मेरी पब्लिक ने फॉर दैट मैटर इस बार करी है, शायद ही कभी इतनी मेहनत हुई होगी। तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। मानना है रायबरेली में क्या होने वाला? रायबरेली में ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी और आरपी यादव की होने जा रही है, क्योंकि सर्व समाज का वोट मिलने जा रहा है आरपी यादव को, चाहे वह पेंशन के नाम से, चाहे विकास के नाम से। और महंगाई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, महंगाई 3 गुना बढ़ गई है। चाहे सरसों का तेल हो, 70 रुपया वाला जो तेल था वो 200 से पार हो गया, जो डीजल पेट्रोल के रेट 50-55 थे वो 100 के पार हो गए, जो अरहर की दाल का रेट 50 रुपया था वो 150 से ऊपर हो गया, रसोई गैस की जो कीमत थी 450 वो 1000 हो गई। तो इन मुद्दों को लेकर के यहाँ की आवाम नाराज़ है। दूसरी बात, जिनको 2017 में मौका मिला था कांग्रेस से जीतने का, उन्होंने समाजवादी पार्टी के एहसान को नहीं माना, क्योंकि मेरा टिकट रोक करके उनको लड़ाया गया था। ना समाजवादी पार्टी का एहसान माना, ना कांग्रेस का माना, ना प्रियंका गांधी का माना, ना जनादेश का सम्मान किया।
वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। यहाँ की जनता इतना आक्रोशित है कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएगी और आरपी यादव की जो जीत होने जा रही है वो 1 लाख से ऊपर होने जा रही है। लोग कहते हैं कि लाखों वोट से वो जीतती थी और फिर कैसे डिफीट हो पाएगा? कहाँ कौने कब जीती लाखों वोट से? आरपी यादव का वोट था 50,000 और जनता ने इसलिए उनको जिता दिया था क्योंकि आरपी यादव जब नहीं लड़े थे तो यहाँ तो एक तो कांग्रेस के सिंबल पे लड़ी थी और यहाँ कांग्रेस का वोट और आरपी वो समाजवादी पार्टी का ही वोट है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ कभी नहीं सर्वाइव कर पाई और पिछली बार 28,000 वोट मिला था, उसमें भी 7,000 वोट चला गया, इनका निजी वोट होगा 20,000 और ये 50,000 वोट नहीं पाएंगी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। आप मतदान करके आए, क्या अपील करेंगे? मैं अपील करता हूँ रायबरेली के आवाम से, सम्मानित जनता से, माताओं बहनों से, नौजवान साथियों से, दादा दादी अम्मा से, मौसी से, सबसे मेरी अपील है कि आप अपने बेटे को चुनाव जीता करके विधानसभा भेजिए। जिस तरीके से भ्रष्टाचार रायबरेली में हुआ, चाहे रिंग रोड हो, चाहे नगर पालिका में पेयजल समस्या हो और चाहे सिविल लाइन हो, सब में भ्रष्टाचार चरम पे था, एक पैसे का काम नहीं हुआ। जो भी सड़कें खोद दी गईं वो अभी तक मरम्मत नहीं हो पाई हैं और नगर पालिका के जो भी भ्रष्टाचार हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और आरपी यादव विधायक बनेंगे